मैं हूँ आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर या जो आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके साथ साथ उनको भी काफी हेल्प मिलेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अपना वक्त जाया ना करते हम इस वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है। दोनों लेग्स को ओपन करने के बाद आपको अपने दोनों हैंड्स को अपने वेस्ट पे होल्ड करके अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके डाउन साइड जाना है। देन टो पर आना है आपको। देन अप, अगेन डाउन, अगेन अप। इसको ओनली आपको 10 टाइम्स करना है। अगर आपसे 10 टाइम्स तक नहीं हो पा रहा है तो आप इसको ओनली 5 टाइम्स कर सकते हैं। Then relax. इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग को ओपन करना है। दोनों लेग्स के बीच में नॉर्मल गैप बनाते हुए आपको अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके डाउन साइड जाना है। देन अप, अगेन डाउन। जितना आप कंफर्टेबल रहे आपको उतना ही डाउन जाना है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं करूँ सेम वैसे ही आप करें। इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है। जितना आप कंफर्टेबल रहे उतना ही आपको अपने लेग को ओपन करना है। और याद रहे कि आपको इन एक्सरसाइज को करते टाइम कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी। सारी एक्सरसाइज आराम से करनी है। लेग के साथ साथ दोनों हैंड्स को ओपन करके अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है। दोनों लेग के टो को लेफ्ट डायरेक्शन पे रखते हुए अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड फ्रंट साइड पुश करना है। राइट लेग को स्ट्रेट करके रखना है जिस तरीके से मैंने रखा है से, और लेफ्ट लेग के नी को बेंड करना है। सेम अदर साइड। गाइस, आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ इन एक्सरसाइजेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इन एक्सरसाइज को करके नॉर्मल डिलीवरी तो होगी, साथ के साथ जो आपके और भी प्रॉब्लम्स हैं यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे हमारा वेट गेन होते रहता है तो हमें थायराइड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी बॉडी में भी और लेग में काफ़ी स्वेलिंग रहती है। तो इन एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें जो आपके थायराइड होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इसको आपको ओनली 10 टाइम्स करना है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है। देन अपनी अपर बॉडी को डाउन साइड बेंड करना है जितना, और आपको अपने अपर बॉडी को उतना ही डाउन साइड लेके जाना है जिससे आपके टमी पे प्रेशर ना पड़े। देन आप आके आपको अपनी अपर बॉडी को बैक साइड लेके जाना है। देन अगेन सेम फ्रंट साइड डाउन। इसको भी आपको ओनली 10 टाइम्स करना है। Relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करते हुए अपने दोनों लेग के
टो को लेफ्ट डायरेक्शन में रखना है, अपने दोनों हैंड्स को अप साइड ले जाके आपको अपने लेफ्ट लेग की नी को बेंड करके फ्रंट साइड लेके जाना है, राइट लेग को स्ट्रेट करके रखना है, देन वापस अप साइड आना है, सेम राइट साइड। ऐसा आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो और आज की एक्सरसाइजेस काफी अच्छी लगी हो और आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर परफॉर्म भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस के साथ साथ मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स देती रहूं और प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, ये इन सारे चीज़ों के बारे में भी टिप्स देती रहूं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताएं ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसी तरीके की न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलूँगी। अभी के लिए बाय बाय।